अच्छा लग रहा है ना। हाँ भैया, इनके लिए तो 6-7 इंच वाली हील दिखा दो। ठीक है। हाँ बेटा बोल। माँ, हाँ? मैंने टीचिंग एग्जाम क्लियर कर लिया। सच? भैया। हाँ जी। फ्लैट सी दिखाइए। क्यों, क्या हुआ? कद बढ़ाने के लिए अब लटकना शुरू करोगी दिन रात 24/7? बेटी ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और टीचिंग एग्जाम क्लियर किया। और बच्चे जब तरक्की करते हैं ना, तो माँ बाप का कद अपने आप बढ़ जाता है। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, SSC जैसे अनेक कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। नाइस ना। हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, SSC अड्डा 24/7 पे आपका स्वागत है। सबसे पहले क्षमा चाहेंगे कि कल मंडे को मैंने क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन उसका बस एक छोटा सा रीजन था कि मैं पहुंच गया था बाबा विश्वनाथ, मतलब बनारस, तो वो एक बड़ा रीजन था। अब छोटा क्या रीजन था, वो बड़ा रीजन था। और मस्त बनारस की गलियों में 2-3 दिन तक इधर उधर, 2 दिन रविवार और सोमवार, 2 दिन अच्छा घूमा। और फिर अब मुझे लगा कि भैया मतलब आनंद हो गया, विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया, तो अब कर्म क्षेत्र में आ जाया जाए। तो अब आपके कर्म क्षेत्र में हम हाजिर हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपका सबसे पहले स्वागत किया जाए, तो वेलकम, ठीक है ना? तो ये वेलकम आपका। और आज के सेशन में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन है। अब आप कहोगे कि सर परिवर्तन क्या है, मैं कहूंगा देखो परिवर्तन ये है, आज सुबह की करेंट अफेयर हुई नहीं हुई, आज शाम की क्लास है या सर चल रही है। तो मैं बताऊं, आज की क्लास जो 1 घंटे की क्लास है वो 2 भाग में बटी है। पहली 7 से आपके शुरू होकर के 7:30 तक, 7 से 7:30 तक GS रहेगी, और फिर 7:30 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे और 8 बजे तक करेंट अफेयर जो आज का है, जो मैं डेली सुबह पढ़ाता हूं आपके 8 बजे, ठीक है ना? कल से फिर अपनी सब कुछ समय पे रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन का। अभी हम लोग 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 7:30 बजे इसको एंड कर देंगे और 7:30 बजे करेंट अफेयर शुरू कर देंगे। सभी लोग को क्लियर है? बताइएगा, सभी लोगों को क्लियर है ये मुद्दा, सभी को क्लियर है? शुरू करें, पहला क्वेश्चन लाएं, डिस्कशन शुरू। लो भैया पहला को, अरे गड़बड़ा गया, पहले चलिए तिरंगे को सैल्यूट किया जाए। तो तिरंगे को सैल्यूट है, अब शुरू होगा। अच्छा वो MTS का एग्जाम अब नजदीक आ रहा है यार, अब तो समय आ गया है कि हम लोग शुरू किया जाए आपके क्या कुछ रैपिड फायर टाइप की क्लासेस और 6-1 साल का करेंट अफेयर और वो 200-200, 300-300 आपके क्या कहते हैं क्वेश्चंस वाली सीरीज। क्योंकि अब देखो 5 जुलाई को है ना, और आज देखो कितना हो गया, आज 14 जून हो गया। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ये चीज, ठीक है ना? नहीं नहीं, एक लोग बताए आपका तबीयत नहीं ठीक है, ये है वो है। तबीयत बस इतना सा था कि सर्दी जुखाम, नथिंग एल्स, कोई बहुत बड़ी हमको प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है ना? सर्दी जुखाम तक ही सीमित था मेरा तबीयत, उससे ज्यादा मुझे होता भी नहीं है सर्दी जुखाम, इट्स ओके। और मैं अपने घर चला गया कि भाई 2 दिन घर रह लूं, शायद जल्दी सही हो जाऊं, बस इतना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, टुडेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन लाने जा रहा हूं और देखिएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ये लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत, बताइएगा लॉ ऑफ फ्लोटिंग किसने दिया, हॉकिंस ने, बेजार ने, आर्किमिडीज ने या न्यूटन ने? सर लॉ ऑफ फ्लोटिंग की यदि बात की जाए तो इट इज गिवन बाय आर्किमिडीज, ठीक है ना? प्लवन का सिद्धांत यार, आर्किमिडीज के प्लवन का सिद्धांत कितना आसान होता है, ठीक है ना? यही है ना प्लवन, ठीक है, प्लवन का सिद्धांत। और पवन सर का सिद्धांत किसने दिया, तो भैया पवन सर का सिद्धांत तो पवन सर ही देंगे, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है? तो ये आपके यहाँ पे त लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन लॉ ऑफ फ्लोटिंग पवन का से, आर्किमिडीज ने, ठीक है? याद रखना कि फिर थोड़ी देर बाद हम लोग अपने करंट की भी क्लास आज ही करेंगे। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है, बताइएगा? यलो, ये तो खेल हो गया यार। अच्छा भारत के संविधान की बात करें तो जब 26 नवंबर 1949 था तो उसमें कितने लोगों ने उस पे सिग्नेचर किए थे, और उसमें आज ही मैंने अपने पेड बैच में कुछ बच्चों को बताया था कि महिलाओं ने कितने सिग्नेचर किए थे 26 नवंबर 1949। अच्छा
कितनी बैठक हुई थी, ठीक है ना, संविधान लिखने में टोटल बैठक, टोटल सीटिंग की संख्या कितनी है, और कितनी बार उसका वाचन हुआ था या फिर रीडिंग, ठीक है ना, संविधान की रीडिंग, संविधान जब हमारे पास टोटल आया तो कितनी बार हुई थी। अच्छा देख लेना, इसका तो आंसर लोग फिर भी कर देंगे, इस वाले में गड़बड़ाएंगे कि संविधान को लिखे जाने में जो अंतिम बैठक हुई थी उसकी संख्या क्या थी, कितनी बार संविधान की रीडिंग की गई थी फाइनल लाने में। सर वैसे क्वेश्चन का आंसर तो इंडिया, अंग्रेजी वाले में इंडिया ही हो जाएगा ना। हाँ, ये आर्यावर्त लिखने वालों मतलब क्या है, देश दुनिया की तरफ घूम गए। सर सिग्नेचर हुआ था 284 लोगों का, महिलाओं की संख्या थी 8, ठीक है ना। और जो लोग 15 लिखने वाले हैं वो जब 389 था तब की बात लिख रहे हो, ठीक है, 284 लोगों ने सिग्नेचर किया था, 289 ने नहीं, देखो कितने लोग गलत सलत करके बैठे हुए हैं। अच्छा टोटल बैठक की संख्या है 12 और टोटल वाचन हुए थे 3, भैया समझ गए। तो ये संविधान सभा की बात मैं कर रहा हूं। अच्छा संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति का नियुक्ति था। अगला देखते हैं, निम्न में से सबसे बड़ा कण कौन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन, ठीक है बताइएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो भैया याद रखेंगे सर सबसे बड़ा कण है इलेक्ट्रॉन, खोज किसने की, जे जे थॉम्सन ने, ठीक है ना, जे जे थॉम्सन ने, और पर प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, ठीक है ना, रदरफोर्ड द्वारा इसकी खोज की गई, और न्यूट्रॉन की खोज आपके चैडविक, ठीक है ना, जेम्स चैडविक के द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो नहीं, हम लोग कहते हैं ईटा पर नाच, ये है ना, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से जे जे थॉम्सन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक, ठीक है ना, च से चैडविक। चलिएगा अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड से सटा नहीं है, वो गांव वाव साइड जाओ जो हम लोग नहीं ट्रक व्रक के पीछे उचे कभी कभी जाए तो नहीं, उसमें सब ट्रक व्रक पे डायलॉग लिखे रहते हैं, सटला तो गैला बेटा, ये सब गांव साइड जाओ तो डायलॉग मिलेंगे आपको, और मैंने कई बार खुद पढ़ा है यार, वो ट्रक व्रक के पीछे ऐसे डायलॉग रहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर क्या है, बी मध्य प्रदेश। भाई पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सब, अच्छा मध्य प्रदेश का भाग कौन है, तो छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश का भाग है तो छत्तीसगढ़। अगला देखो, निम्न में से कौन मुगल काल के एक वास्तुकार थे, चूंकि आज ही थोड़ी देर बाद मैं एक क्लास और लूंगा, सुबह की आज की करेंट अफेयर नहीं हो पाई इस वजह से ऐसा है, ठीक है ना, ये क्या, निम्न में से कौन वास्तुकार, उस्ताद अहमद अबू हसन तांस, ये जो आपके थे उस्ताद अहमद लाहौरी एक वास्तुकार थे, अबू हसन तानसेन और अबू सम्मद, ठीक है ना, अबू सम्मद चित्रकार था, तानसेन आपके गायक हुआ करते थे, अबू हसन आपके कवि हुआ करते थे, और तो वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। सर ताजमहल के डिजाइन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था, आपके लाल किला के जो में इसका महत्वपूर्ण योगदान था, बाकी कोई तीन, अबू समद ये तो सर चित्रकार, ये सर पेंटर हुआ करता था, ये सर पोएट हुआ करता था, ये सर आपके पोएट, ये भी पोएट कवि ही हुआ करते थे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको आपके आंसर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, दूध उबालने की स्फूर पश्यता, अरे फोर्स रिक्वायर्ड टू बॉयल मिल्क, देख रहे हो, जो लोग कभी कभी कहते गुरुजी हिंदी में पढ़ाइए, अब हिंदी में होता तो ये समझ पाते, अब यहां पे इंग्लिश की अच्छी आपको जरूरत पड़ रही है कि नहीं, तो भैया थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी दोनों को मिला जुला करके आगे बढ़ना पड़ेगा। दूध उबालने पर सर 100 डिग्री, तब ये दूध उबलेगा, चाहे वो गाय का दूध हो चाहे भैंस का दूध हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए आपके, ठीक है। अच्छा आप देखो, तुम लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं, देखो तुम लोग को एक एग्जाम्पल, ये जो है ये अतुल सर का होगा, वो अक्सर भूल जाते हैं, उसके बाद पूरे ऑफिस में एक बार तो हम ही को लेके घूम रहे थे कि वो मेरा पेन ड्राइव हार्ड डिस्क कहीं छूट गया, कोई ले लिया, खूब रोएंगे। देखो आज फिर छोड़ दिए हैं, अब हमने कहा था कि अगली बार मिला तो कसम से अतुल हम देंगे नहीं तुमको, तुम लोग देख लो सबूत तुम लोग के सामने है, क्यों छोड़े वो, अब मैं आज वो हमसे बात करे, आज मैं उसको, और एक बार ऐसा ही हुआ था, मैंने ऐसे ही निकाल के यहीं पर रख दिया था, फिर पता नहीं कोई हंसी मजाक में छुपा दिया, और हम अतुल 2 घंटे परेशान हुए, ठीक है ना। तो ये देख लो, अब आज हम फिर यहीं रखने जा रहे हैं, और अगर हम भूल गए तो बाकी अतुल की किस्मत जाने, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, तो ये वाला तो हो, अरे
अगला क्वेश्चन आना चाहिए भाई ना। हाँ हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अगला आ जाओ। कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है ना, कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बताइएगा, कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है ना, तो कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इसमें से कौन सा है? सऊदी अरब। लेकिन अब ये डेटा हो गया है पुराना, अब हो गया है यूएसए। ठीक है ना, जब से इसने कई देशों को, देखो ये करेंट का क्वेश्चन है, सऊदी अरब अब नहीं रह गया है कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक, इस समय जो करेंट डेटा चल रहा उसके हिसाब से यूएसए हो गया, यूएसए ने कब्जा बना लिया है। ठीक है ना, अभी तुम देखो जब सद्दाम हुसैन वाली घटना घटी थी, इराक ईरान पे कब्जा कर लिया था, तो अमेरिका अक्सर अरब कंट्रीज की तरफ क्यों निगाह बनाए रखता है? तेल के कुओं के लिए। ठीक है ना, तो करेंट में यह चल रहा है इसलिए आप इग्नोर भी कर सकते हैं इसको। पृथ्वी की परिधि कितनी है बताएगा, परिधि मतलब आपके रेडियस। सर अगर हम लोग इसकी परिधि कितनी है, 40232। ठीक है ना, 40232। अगला, शिवकाशी तमिलनाडु, तमिलनाडु ठीक है ना, तमिलनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? शिवकाशी। अच्छा तुम लोग बता सकते हो, नेहरू प्लेनेटोरियम, ठीक है ना, नेहरू प्लेनेटोरियम ये कहां पे स्थित है, जरा इसको जरा बताओ तो, नेहरू प्लेनेटोरियम भारत में कहां पे स्थित है? और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि ये जो शिवकाशी, सर शिवकाशी माचिस उद्योग, माचिस उद्योग इसका आंसर है आतिशबाजी, ठीक है ना, माचिस का के लिए। और नेहरू प्लेनेटोरियम कहां है? सर ये दिल्ली में है। आज सुबह सुबह हम न्यू दिल्ली से आ रहे थे तो सबसे पहले मुझे ऑटो वाला रास्ता भूल गया, वो जो ऑटो वाला था वो रास्ता भूल गया, वो नया नया था। अब वो जिस एरिया से मुझे रास्ता याद था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये गलत रूट पे घूम गया और मेरे पास समय पर्याप्त है तो मैं उसको टोकने नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कि इसी रोड पे आगे जाके पीएम संग्रहालय है, प्रधानमंत्री संग्रहालय, जिसका मोदी जी ने किया है उद्घाटन। तो मैं उसको चुपचाप कुछ बोला नहीं भाई, घुमा दिया, घुमा दिया, और मैं बड़े आनंद से जाकर के प्रधानमंत्री संग्रहालय पहले देखा। बाहर से ही ऑटो गुजरी तो हम उसको बोल दिया भाई थोड़ा धीरे चला, धीरे चला, तो कम से कम बाहर से देख लिए। अब उसके बाद जब इसी से थोड़ा आगे बढ़े तो हमको नेहरू प्लेनेटोरियम दिखा, तो हम तुरंत सोच लिए थे कि आज के लाइव क्लास में मैं ये क्वेश्चन पूछ दूंगा कि नेहरू प्लेनेटोरियम कहां स्थित है। तो लो मैंने पूछ दिया, ये मेरा सुबह का निर्णय है, करीब करीब 8-9 बजे का, 8-9 बजे सुबह का ये मेरा निर्णय था कि आज तुम लोग से पूछूंगा, तो वो पड़ गया था। तो आज मुझे ऑटो वालों ने बड़े अच्छे से पीएम संग्रहालय दिखा दिया, जो करंट अफेयर मोदी जी ने किया था। अगला देखिएगा, कंबन किसके दरबार में हुआ करते थे? देखो कंबन, कुट्टन, पुंगलेदी, ये सब ओट कट्टू कट्टन, मतलब अब नाम थोड़ा सा टफ है, ओट कट्टू कट्टन, पंगन, कंबन, पुंगलेदी, ये लोग तमिल साहित्य के बहुत बड़े रत्नों में से, इन लोगों का कॉम्बिनेशन को त्रिरत्न ऑफ तमिल लिटरेचर कहा जाता है, जबकि क्लासिकल एज ऑफ तमिल, तमिल साहित्य का क्लासिकल युग किसके समय कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय, सॉरी वो आपके कौन थे, अरे यार वो जो बड़ा महान राजा थे दक्षिण भारत के, आंध्र भोज जिसको कहा जाता था, हाँ कृष्णदेव राय ही तो थे ना, आंध्र भोज, आंध्र पितामह वही तो थे। तो इसका आंसर है कुलतुंग, ठीक है ना, कुलतुंग के दरबार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? और एक बात, जैसे जैसे आप दूसरे एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा रैपिड फायर वाले अंदाज में एक दो दिन बाद आ जाऊंगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम थोड़े से नजदीक डेट आ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका आंसर करो हिमालय की। अब सर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो सभी को क्लियर है, माउंट एवरेस्ट। अब इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। हिमालय को हम लोग कोम लंगमा, ठीक है ना, कोम लंगमा के नाम से भी इसको हम लोग कोम लंगमा के भी नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी फसल की बाई और कटाई के बीच के अवधि सर्वाधिक होती है? बुआई होगा यार, बुआई, ठीक है ना, बो आई, ठीक है ना, खेतों में, जैसे जो लोग गांव देहात से होंगे उनको पता होगा, बोने को जब धान बोया जाता है तो उसे रोपना भी कहते हैं, ठीक है ना, धान को रोपना, ठीक है ना, रोपना, धान को रोपा जाता है। इस समय तो वो बीज बीज लगाए जा रहे हैं, खेतों में पानी भरे जा रहे हैं। मैं भी परसों अपने खेत पे गया था और मैंने देखा कि जो हमारे बड़े पिताजी हैं वो पंप सेट वगैरह लगा करके, अभी तो बीज, शायद धान अब बोया जाएगा ना, बीज वगैरह लगाए जा रहे हैं।
तो मैंने उसको देखा। अब इसका जरा आंसर करो, तुम लोग के भी घरों पे तो जो लोग खेती से जुड़े होंगे, अभी तो धान के बीज लगाए जा रहे होंगे ना, अब उसके बाद फिर वो कुछ दिन बाद रोपना, लोग उसको रोपेंगे, फिर वो चावल के रूप में अलग अलग वैरायटी में निकलेगा। सी ऑप्शन गन्ना, ठीक है ना, कटाई के गन्ना में बहुत अच्छा। गन्ना के प्रोडक्शन में नंबर एक पे कौन है मेरे भैया? तो यूपी, यूपी गन्ना। अच्छा सर, धान के प्रोडक्शन में कौन आगे है? तो वेस्ट बंगाल, क्योंकि चावल सबसे ज्यादा वही हो रहा है। तेल के प्रोडक्शन में सबसे आगे तिलहन के कौन है? तो सर आपके राजस्थान और एमपी तिलहन के प्रोडक्शन में आगे हैं। और गेहूं के प्रोडक्शन में नंबर वन पे कौन है? सर यूपी। लेकिन गेहूं के प्रोडक्शन में मेरे दोस्त प्रतिशत वाइज कौन है? तब आप कहोगे पंजाब, ठीक है ना। सबका डेटा अलग अलग है, इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगला, जितने लोग जुड़ रहे हो, ये आधे घंटे की क्लास रहेगी, इसके बाद में करेंट अफेयर पढ़ाऊंगा। रीजन है कि आज सुबह वाला करेंट अफेयर मैंने नहीं पढ़ा पाया था कुछ वजहों से, तो 7:30 बजे मैं करेंट अफेयर शुरू कर दूंगा। निम्न में से किस स्थान पर गर्मी के दिनों में दीप, ओह आओ खेलो। अच्छा तुम लोग को आज और बता दे, एक बार आज से 2-3 महीने पहले और आज मैंने नॉर्वे दूतावास, चीन दूतावास और अमेरिकन दूतावास, नीदरलैंड दूतावास, जापानीज दूतावास, कुवैत दूतावास, ऑस्ट्रेलियन दूतावास, आज जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले नहीं बता रहा था कि ऑटो वाला रास्ता भटक गया था, तो मैं जानबूझ करके चुप होके बैठ गया कि चल फिर से एक बार सारे दूतावास हमको दिखाओ। फिर मेरे मन में तो आ रहा था कि इन सबका फोटो खींच लें, लेकिन मुझे फोटो का बहुत ज्यादा शौक है नहीं, नहीं फोटो खींच के तुम लोग को हम ले आके आज दिखाते पीपीटी पे कि आइए कभी इटली। इटली वाले उल्टे हैं क्या? दीपावली मनाई जाती है, चलो भैया इटली चल लेते हैं। अब इटली जब भी आवे तो चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, आपको एक बात दोहरानी है, पो। अब ये पो क्या है सर? अरे यार पो नदी का नाम है जिसकी तुलना भारत के गंगा नदी से की जाती है, ठीक है ना, तुलना भारत। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल क्या है? सर ब्लैक होल, ब्लैक होल तो सर आपके तीव्र गुरुत्व खिंचाव के साथ संकुचित तारा, ठीक है ना, ब्लैक होल। अगला, निम्न में से किसमें विटामिन डी पाया जाता है? कहां है? मछली, हाँ ठीक है ना, मछली, कॉड लीवर का तेल होता है, मछली के लीवर में आपके विटामिन डी पाया जाता है। ये मेरे टिफिन वाला फोन कर रहा है, इसको बोल दें कि ला देना। देखो पूछेगा, हाँ भैया कहाँ है आपका टिफिन लाना है? हाँ बोलो, हाँ भाई टिफिन लाना है, ठीक है, अच्छा ले आना, ठीक है। कर हाँ जी हाँ जी, अब तो जो बना होगा वही बना होगा, क्या ये लाएंगे। तो निम्न में से किसमें विटामिन डी पाया जाता है? तो मछली की लीवर तेल में, पालक में, दूध में, पनीर में, तो सर इसी में पाया जाता है मछली। कितने लोग इसमें से मछली खाते हो, सही से बताओ, और जो खाते हैं वो लिखेंगे यस, और जो नहीं खाते वो लिखेंगे नो, उसके बाद आगे की बात बढ़ेगी। यस वालों हाथ ऊपर, नो वालों हाथ नीचे, वोटिंग शुरू, चलो चलो वोटिंग शुरू करो, ठीक है ना। अब तब तक अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं, कमेंट तो तुम लोग काम देख ही लेंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक इंपैक्ट प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर, तो भैया आप ये सारे लेजर प्रिंटर, इंकजेट, देखिए आपका जो एग्जाम है ना उसमें कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसका राइट आंसर है डी, डेजी व्हील प्रिंटर। वाह डेजी, अच्छा नाम है। तराइन की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? उसर मोहल्ले के शर्मा जी और उधर के पाणे जी के बीच में हो गई थी। नहीं भैया, तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी होगा, गौरी नहीं होगा, और पृथ्वीराज चौहान, ये दोनों लोग भिड़े थे 1192 ईस्वी में। पहले वाला जब युद्ध हुआ तो भारतीय राजा, जा गौरी मैंने तुझे छोड़ दिया, अगली बार गौरी ने कहा नहीं चौहान जी आपको हम नहीं छोड़ेंगे, आप हमको छोड़ दिए, ये आपका मिस्टेक, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरे वाले लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जी को मोहम्मद गोरी ने कहा चलिए अब आप स्वर्ग की तरफ आवास बनाएं अपना, दिल्ली हमारे लिए छोड़ दें। अब पता नहीं कैसे अक्षय कुमार साहब जी आखिरी में तलवार मार देते हैं मोहम्मद गोरी को पिक्चर में, पूरा इतिहास है पलट के रख दिए। खैर कोई बात नहीं, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अभी आज की ही आपको बात बताऊं, दिल्ली में जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, भारत आसियान 24वां हाई कमिश्नर्स मीटिंग, तो इस बार भारत आसियान के 24वें हाई लेवल अधिकारियों की बैठक हो रही है, आयोजन स्थल दिल्ली है, इसलिए जब भी आप शहर में घूमा करें तो आंख और कान खोल के, ताकि कोई करेंट अफेयर हो तो आप उससे अपडेट हो जाया करें। इसका राइट आंसर था ए ऑप्शन म्यांमार, ठीक है ना, इसका राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन म्यांमार। अगला, रेखा गणित के पापा कौन है? बताओ रेखा के पापा कौन है?
गणित मत लगाना तुम लोग इसमें, रेखा के पापा बताओ। और हाँ, अभी करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, रीजन है सुबह 8 बजे वाली आज मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ा पाया था, तो 7:30 बजे आपका करंट अफेयर, आज वाला करंट अफेयर शुरू हो जाएगा, फिर वो कल से सुबह 8 बजे से ही रहेगा, उसको लेकर निश्चिंत रहना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई यूक्लिड, ठीक है ना। पाइथागोरस का प्रमेय 7वीं 8वीं क्लास में खूब इसका पाइथागोरस का प्रमेय आता था, और हमारे गुरुजी जो थे प्राइमरी स्कूल वाले वो कहते थे कि जब पाइथागोरस का प्रमेय लगा लो तो लास्ट में लिखा करो इति सिद्धम। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो तुम्हें लिखना पड़ेगा इति सिद्धम, और अगर अंग्रेजी में लिख रहे हो तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते थे उस पर भी वो नंबर काट लेते थे। पाइथागोरस के प्रमेय को करने के बाद या तो लास्ट में लिखो इति सिद्धम और नहीं तो लिखो हेंस प्रूव्ड, तब जाके बात बनती थी। इतने पे तो कई जूते पड़ जाते थे हम लोग को, व्यवस्था इसी थी कुछ, ठीक है ना। अगला, विवेकानंद के गुरु कौन थे? सर विवेकानंद जी के गुरु हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस, ये सर काली जी के उपासक हुआ करते थे, काली जी के उपासक थे, काली जी के उपासक या फिर क्या थे मेरे भाई, पुजारी थे, काली जी के उपासक। और इन्हीं की याद में रामकृष्ण आश्रम, रामकृष्ण परमहंस आश्रम 1897 में कलकत्ता में किसने बसाया? स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाए मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में रबड़ का पौधा अधिकतर कहां पाया जाता है? तो आप कहोगे सर रबड़ का पौधा केरल कर्नाटक में। नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से? अरे यार ये गलत मत कर देना, बहुत आसान क्वेश्चन है सर। नंदलाल बोस सुगम संधि से, जगदीश चंद्र बोस नहीं है ये, कई लोग लेके चले जाएंगे जे सी बोस पे, ठीक है ना। ये जगदीश चंद्र बोस या बसु जी नहीं है, ये नंदलाल बोस हैं। तो आप जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते हो, वो बड़ा गड़बड़ स्थिति है, ठीक है, वो बहुत गड़बड़ स्थिति है। अगला, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? जापान की, तो भैया जापान की मुद्रा है डी ऑप्शन येन, ठीक है ना, जापान की मुद्रा है डी ऑप्शन येन। अगले क्वेश्चन पे जाएं और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र के बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखो लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, मतलब छोटे क्षेत्रों के लिए। वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, थोड़ा एक शहर से दूसरे। मैन मेट्रोपोलिटन सिटी, कई शहर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों को वैन कवर करता है। लैन एक बिल्डिंग के अंदर या एक बिल्डिंग से दो बिल्डिंग, मैन एक शहर से दूसरा शहर, थोड़ा सा वहां पे बोलने में उल्टा हुआ था तो भैया इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। 25 क्वेश्चन के बाद मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, जब देखिएगा 7:30 बजे मेरा इवेंट करंट का लगा हुआ है ना, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सर एक दिन हम लोग बात किए थे सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे छोटी, जैसे सबसे छोटी नदी डी नदी है, सबसे चौड़ी नदी तो वो अमेजन वाली है, लंबी है तो नील है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील नदी। नील नदी की देन हम लोग किसको कहते हैं? आसवान को। लगा दीजिए थंबनेल होगा, इवेंट अभी 7:30 ही लगा दीजिए। हाँ अमित को एक कॉल कर देंगे आप, कहाँ है अमित सर? ठीक है मैं भी कर देना। हाँ तो भैया इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा अगले पॉइंट पे जाते हैं, वो तुरंत कर देंगे, ठीक है इससे बात कर लीजिए आप, एक सर बोले थे करो तुरंत, यहीं से खड़े खड़े कर लीजिए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब जरा अगली बात पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताओ जरा, सितारा ए पाकिस्तान बताना, इस क्वेश्चन का आंसर करो। मैं एक मिनट में आ गया, हाँ भैया वो आप लोगों के हम करंट अफेयर का व्यवस्था कर रहे थे, नहीं तो कहाँ, मैं पेन वेन कहाँ रख दिया, थोड़ा सा यहाँ छोड़ के आ गया हूँ, ठीक है। ये मैं दोबारा यहाँ पे आ गया हूँ, तो ये चीजें हैं।
तो निम्न में से किसे अभी हाल ही में, अच्छा हाल ही में सितारा है पाकिस्तान डेरेन समी, जबकि याद करो पोलियो के उन्मूलन के लिए बिल गेट्स साहब को दिया गया था, पोलियो के उन्मूलन के लिए बिल गेट्स साहब को हलाल है पाकिस्तान ऐसा कुछ करके। अगला, अभी हाल ही में किसने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 का खिताब जीता है, टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022, तो टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 रश्मि साहू ने, ठीक है ना, रश्मि साहू ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके, निम्न में से किसे सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, सूचना विज्ञान केंद्र के, हाँ ये महानिदेशक, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन, राजेश गेरा, राजेश गेरा। अच्छा तुम लोग एक बात अभी नोटिस करना, YouTube पे ही जैसे ये साथ है ना, मैं इस लेक्चर को जैसे ही खत्म करूंगा मैं करंट अफेयर पे तुम लोग के साथ जुड़ जाऊंगा, ठीक है ना, तुरंत मैं करंट अफेयर पे जुड़ूंगा। तो आधे घंटे आज का करंट अफेयर अभी पढ़ना है। विकास खन्ना, 1 जून से 31 जुलाई 2022 तक हर घर दस्तक नामक अभियान का कौन सा संस्करण लागू किया गया है, सर ए ऑप्शन दूसरा। अब मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि ये कुछ बैचेस हैं जो आपके 21 जून से सिलेक्शन पोस्ट के लिए, मिशन दिल्ली पुलिस 21 जून से सिलेक्शन पोस्ट के लिए, और एसएससी कंप्लीट फाउंडेशन 21 जून से शुरू हो रहा है, और आपके पंचायत जीएस की, ये सारे बैच आप ले सकते हैं Y182 कोड के जरिए और आपको मिलेगा भारी छूट पे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हर दर्द की एक दवा हो तो सर वो आपके लिए दवा कौन सी है जरा देखिए, ये है वो दवा। Y182 कोड से आप इस बैच के महापैक के साथ भी क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। Y182 यही कोड लगेगा और ये सारे बैच आपको इसमें मिल जाएंगे। और चूंकि आज ये Y182 आपका कोड है, ठीक है ना, वो आपको मिलेगा कितने पे, Y182 कोड के जरिए ये आपको लगभग 77% ऑफ पे मिल जाएगा, ठीक है ना, लगभग। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं तुरंत यहीं पे करंट अफेयर पढ़ाने जा रहा हूं, आप लोग जुड़िएगा, ये इंड करूंगा करंट अफेयर पे लाइव। एक बार सब लोग ओके ओके लिखिए, ठीक है, और याद रखना मेरे दोस्त कि आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अड्डा के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अड्डा के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। सभी लोग आ रहे हो ना करंट अफेयर के लिए, चलिए थैंक यू सो मच।